लाल झंडा लेकर यहाँ पे आप बैठे हैं, इस रैली में आने का मकसद क्या है? संविधान बचे रहे, हमारा जो बात है आगे बढ़े और ऊपर तक जाए और संविधान बचे रहे, हमेशा संविधान के रास्ते पे ही चले। तो एक तरफ नौजवान को, आप लोग को क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ने 10 सालों में ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है? हिंदू मुस्लिम जाति विवाद करते हैं और मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए सोचते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई में आ जाएगा, अगर स्कूल बनेगा ही नहीं तो पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से? किसको वोट करेंगे इस टाइम पे और मुद्दा क्या रहेगा? संविधान बचे रहे और जो जाति विवाद होता है ये ना हो, सबको एक तरफ का इक्वालिटी मिले। संविधान सिर्फ इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है? हाँ, तो वो तो दिख ही रहा, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि अब की बार 400 पार संविधान को बदलने का, बीजेपी के कुछ नेता खुद बोलते हैं कि संविधान को बदल देंगे, तो उनके हिसाब से तो नहीं ना होगा। झारखंड की राजधानी रांची है ये, मेरे पीछे आप देखेंगे जिस तरह से उलगलान न्याय महारैली चल रही है। महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो एक एक करके अपने मंच से लोग को संबोधित कर रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये लाल सलाम माकपा माले की जो ये लोग हैं ये बैठे हैं, मिक्स हैं। अगर आप किधर भी जाएंगे तो आपको सब तरफ जितने भी महागठबंधन में पार्टी हैं उनके झंडे आपको मिल जाएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा माले और ये सब मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर इस तरह से आप देखेंगे ये रैली में महागठबंधन के जितने भी झंडे हैं, जितने भी पार्टी हैं, उस सब के सब यहाँ पे पहुँचे हैं। लोगों का आना अभी भी जारी है और लोग अभी भी आ रहे हैं। इस एक दो तीन और चार, ऐसे चार रो बने हुए हैं, चारों में खचाखच भीड़ है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि ये झारखंड की राजधानी में हो रही है तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ज़्यादा हैं, कुछ युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं। और इनको हमने पहले भी देखा था कि ये लाल सलाम का झंडे लेकर यहाँ पे आए हैं। क्या कारण है आप लोग ने जो लाल सलाम का झंडा पकड़ा है और इस उलगुलान रैली में आप लोग आए हैं? आप लोग नौजवान हैं, क्या समझते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़कर आपने लाल सलाम के झंडे को आपने पकड़ा है? नहीं, तो यहाँ आए तो क्या समझे, वही चीज़ हम पूछ रहे, जो इस रैली में जो आए हैं उस रैली का क्या मकसद है और क्या लोगों को समझाया जा रहा है, वो चीज़ है। यही कि भारत देश में कैसे आगे बढ़ना है, ये भाजपा के खिलाफ ये मीटिंग रखा गया है, पूरे सारे लोग आए हैं, सारे गठबंधन के लोग, तो उसी के भाजपा के खिलाफ ही सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी के लिए हम लोग भी आए हैं कि उसे हराएं। और आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ दिया आपने? कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, मतलब ऐसे भाजपा ने ऐसा क्या किया है कि जिससे आपको आप भी यही सोच रहे हैं? आप लोग क्या बोल, इस रैली में जो आए हैं लाल झंडा लेकर आए हैं, आप क्या सोचते हैं? लाल झंडा लेकर यहाँ पे आप बैठे हैं, इस रैली में आने का मकसद क्या है? इसमें हमारा मकसद यही है कि हमारा बात लोगों सुने और डेमोक्रेसी जो है वो बचे। जैसे बात हो रहा संविधान नहीं बचने का, संविधान को बदलने का, हमारा बात यहाँ पे हमें सब सुने, जनता समझे। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन जो बना है ये भाजपा के खिलाफ बना है, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, और एक तरफ मोदी सरकार है जो बोल रही है कि अब की बार 400 पार हमने जो काम किया है उसके लिए हमें लोग 400 से पार सीटें देंगे और वोट करेंगे। तो एक तरफ नौजवान को, आप लोग को क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ने 10 सालों में ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया है जाति विवाद के कारण, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ जब भी कुछ होता है तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति विवाद करते हैं और मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए सोचते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई में आ जाएगा, अगर स्कूल बनेगा ही नहीं तो पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से? वो जाति विवाद भी करते हैं, प्लस में जो होता है वो रिजर्वेशन का बात होता है, SC ST OBC को लेके वो लोग को नहीं मिलता है, तो वो सिर्फ सोच रहे हैं कि मतलब जाति विवाद करके उन्हें सिर्फ लगेगा कि वो जीतेंगे, और वो चाहते हैं कि पिछड़े जो जाति हैं वो पीछे ही रहे, आगे ना जाए। लेकिन अभी जितने भी महागठबंधन में जो नेता हैं वो ज़्यादातर भ्रष्ट लोग रहे हैं, अगर आप बात करें शरद पवार की, अगर आप बात करें अजीत पवार की, तो ये जो आप बात करें अजीत पवार की, अगर महाराष्ट्र के जो शरद पवार के जो भतीजे हैं उनकी बात करें तो वो सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो कांग्रेस से जो बीजेपी में जा रहे हैं वो अधिकतर ईडी के रडार पर रहे हैं, CBI के रडार पर रहे हैं। तो क्या कारण है कि वो लोग कांग्रेस माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के बीजेपी की ओर जा रहे हैं?
वो सिर्फ बचने के लिए जा रहे हैं और क्या, और पैसा उनको मिलता है तो वो जाते हैं, इधर रहेंगे तो इधर कुछ है नहीं, उनको लग रहा है कि वहाँ जाएंगे पैसा मिलेगा, हमारा मन बीजेपी में जाएंगे तो कुछ ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं रह पाएंगे, जनता के साथ नहीं रहना चाहते हैं वो लोग इसलिए। और अभी क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को अगर जेल भेज दिया गया, आपको क्या लगता है, आपका सोच क्या सोचना है कि जिस मुख्यमंत्री को अगर जो भेजा गया है जेल, क्या वो सही तरीके से भेजा गया है या सही है या गलत है, अभी तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? हमारी साइड से तो गलत है क्योंकि उनका कुछ है नहीं, उनको तो मतलब ऐसे ही भेज दिया गया है, कुछ उन पर ना कुछ कार्रवाई कुछ भी नहीं है, उन्हें डायरेक्टली ऐसे भेज दिया ईडी के हिसाब से। तो ईडी की एक प्रक्रिया होती है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है पूछताछ के लिए, पीएमएलए जो धाराएं होती हैं उसमें लोगों को अरेस्ट किया जाता है ताकि ये जो नेता लोग हैं उनसे पूछताछ हो सके, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं देते वो लोग। जिस तरह से ईडी ने 10 समन किया था उनको, उनके बाद जाकर वो पूछताछ के लिए गए, तो जिसके कारण से उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो वो अभी जांच चल रही है, तो आपको न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, अगर जांच पड़ताल में कुछ निकलेगा ही नहीं, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो कहां से निकलेगा। और अभी अगर आप जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अगर किसको वोट करेंगे इस टाइम पे और मुद्दा क्या रहेगा, तो हमारा तो ये रहेगा कि संविधान बचे रहे, हमारा जो बात है आगे बढ़े और ऊपर तक जाए और संविधान बचे रहे, हमेशा संविधान के रास्ते पे ही चले। ये नौजवान है, इनका कहना है कि ये अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं आप कि छोड़ नीट का तैयारी कर रहे हैं आप? तो ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, इनका सोचना ये है कि संविधान बचा रहे, यही इनका कहना है। पार्टियां कोई भी आए पर संविधान बचना चाहिए, ये आपका कहना है? पार्टियां नहीं, इंडिया गठबंधन में ही आए, लेकिन हाँ संविधान बचे रहे और जो जाति विवाद होता है ये ना हो, सबको एक तरफ का इक्वलिटी मिले। आपका कहने का मतलब है संविधान सिर्फ इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है? हाँ, तो वो तो दिख ही रहा, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि अब की बार 400 पार संविधान को बदलने का, बीजेपी के कुछ नेता खुद बोलते हैं कि संविधान को बदल देंगे, तो उनके हिसाब से तो नहीं ना होगा। तो इनका कहना है कि संविधान नहीं बदला जा सकता, ये तो फैक्ट चीज है, लेकिन अगर जिस तरह से मोदी के जितने भी मंत्री हैं वो अगर वो कहते हैं, और उनके जो एक सांसद हैं उन्होंने एक बयान जारी किया था कि अगर मोदी सरकार अगर 400 सीटें ले आती हैं तो हम संविधान बदलने की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या मोदी सरकार 400 पार के पार जा सकती है या फिर 100 के अंदर ही सिमट जाएगी। जिस प्रकार से भी ये भीड़ है, ऐसा तो लगता है कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी है, और जिस तरह से लोग अभी आ रहे हैं और बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल गया, तो लोगों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, और लोग यहाँ पे पहुँचे हैं उसी आक्रोश को दिखाने के लिए, मंच से नेता एक एक करके भाषण दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। तो देखिए, ये है झारखंड की राजधानी में इंडिया गठबंधन की तरफ गुलान महारैली की शुरुआत हुई है आज, एक तरफ चुनाव में भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो जिसके कारण से ये ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल उलगुलान रैली उधर चल रही है, लोगों का क्या कहना है वो भी आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर दें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार, जोहार।